आज प्रदेश में जो वातावरण तैयार हुआ, प्रदेश का जनता का मन में जो आवाज़ है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सब एक ही आवाज़ है, भाजपा को हटाओ। 2017 चुनाव में जनता को धोखा दे के, जनता को जुमलाबाजी करके, जनता को झूठ बोल के ये भाजपा सरकार में आया। आज जनता का मालूम हुआ, जनता आज इतनी रुष्ट है, जनता चाहते चुनाव जब हो जाएंगे भाजपा को हटाएंगे। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुआ, अखिलेश यादव जी जो बोला कि इस बार हम लोग का 400 सीट मिलेगा, इसके मीनिंग है हम लोग भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। 102 सीटों पर जो हम लोग आकलन किया, जहाँ जहाँ हम लोग पूछा कार्यकर्ता को, वहाँ का जो चुनाव में हम लोग का जो कार्यकर्ता है सब बोला हम लोग एक यहाँ का सब सीट हम लोग जीत जाएंगे। तो इसका मीनिंग है भारी बहुमत से हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। जेल में जिस तरीके का ये पूरा कांड हुआ, जेल में अंदर जो था कैदी और पुलिस आपस में भिड़ गए, तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि क्या ये राजनीति किस तरीके से चल रही है? देखिए, यही तो भाजपा का राजनीति है, भाजपा तो यही राजनीति है। केवल फारुखाबाद नहीं, बहुत जेल में, बहुत पुलिस मध्य जेल में जिसको लेके गया, फौजी मुकदमा डाल के जेल में डाला। आज देखिए ना, हम लोग के इतना बड़ा नेता आजम खान जी, वो लोकसभा का सांसद, मौजूदा लोकसभा का सांसद है, यहाँ का मिनिस्टर भी थे, विधायक भी थे, उनका खिलाफ फौजी मुकदमा डाल के फौजी सेक्शन देकर उनके जेल में डाला। यही तो उनका काम है, वो जानते हैं उनका पास कोई जनाधार नहीं है, वो सबको डरा के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार जनता 10 से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसको भगाएंगे। कासगंज में जिस तरीके से आपको पूरा प्रकरण पता होगा कि एक व्यक्ति जो, एक बच्चा जो था वो मर गया, ये पूरा जो कासगंज का प्रोपेगेंडा था, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? वहाँ पर प्रियंका गांधी तो पूरी तैयारी कर दिए जाने की। देखिए, प्रियंका गांधी क्या तैयार कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रियंका गांधी जानते हैं। हम लोग 365 दिन हम लोग जनता का बीच में है, हम लोग कभी जनता का बाहर नहीं है, जनता का बीच में हम लोग है। इसलिए जनता जानते हैं सपा जनता का बीच में है, जनता का साथ में है, इसलिए जनता सपा का साथ में है। हर चीज़ों पर, हर मुद्दे पर हम लोग जनता का साथ में है, जनता का बीच में है, और जनता हम लोग का साथ में है। फरुखाबाद में जो कैदी मरा है, क्या आपका सपा डेलीगेशन उससे मुलाकात करेगा, उसके परिजनों से जो उसका? अरे नेताजी, हम लोग का संरक्षक है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप नहीं देखा मंच पे नेताजी अखिलेश जी एक साथ में खड़ा होकर चुनाव प्रचार किया? अभी 2022 में क्या, 2019 में जो नेताजी अखिलेश जी एक साथ में चुनाव प्रचार किया, अब 2022 में नेताजी क्या करेगा, कि मैंने प्रश्न है। नेताजी पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठाता, नेताजी समाजवादी पार्टी का संरक्षक है, नेताजी हम लोग का सबका नेता है। नेताजी समाजवादी छोड़ के कहाँ जाएंगे? नेताजी का आशीर्वाद से आज अखिलेश यादव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके अध्यक्ष जी ने जो जिन्ना का पन्ना खोल दिया है, उससे तो भाजपा को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। जिन्ना के लेके आप सब चर्चा कर रहे हैं। अरे जिन्ना के लिए के चर्चा का क्या विषय है? आज़ादी का 75 साल हो गया, जिन्ना कब मर गया, फिर आप जिन्ना को लेकर आते हैं। आप महंगाई के बारे में पूछो, आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछो, आप बेरोजगारी बारे में पूछो। तो भाजपा जो चाहती वही मिल गया, और उसके बाद में सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिख दी। अरे सलमान खुर्शीद क्या लिखा, सलमान खुर्शीद, अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा है, वो किताब मैं पढ़ा, आप सब पढ़ लो। आडवाणी जिन्ना के बारे में क्या बोला, जिन्ना आडवाणी कौन है, वो भाजपा का नेता है। फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद की बात होगी, सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी हिंदुत्व की तुलना कर दी इस्लामी जिहाद से। देखिए सलमान भाजपा के पक्ष में जा रहा, सलमान खुर्शीद क्या लिखा वो किताब मैं नहीं पढ़ा। हम लोग जात पात लेके कभी चुनाव नहीं किया, हम लोग धर्म को लेके कभी नहीं चुनाव किया। वो भाजपा हिंदुस्तान में पहले चुनाव का समय जात पात धर्म लेके आया, कि उनका पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका पास केवल धर्म के लेके चुनाव लड़ो, जात पात लेके चुनाव लड़ो, धर्म का राजनीति करो। आज क्या मुद्दा भाजपा के पास है? 2017 में जो चुनाव लड़ा था, 2014 में भी जो चुनाव लड़ा था, 2019 में भी जो चुनाव लड़ा था, एक ही उनका पास मुद्दा था, धर्म का नाम पे चुनाव लड़ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना, रमजान दिवाली का नाम पे चुनाव लड़ना, कब्रिस्तान शमशान का नाम पे चुनाव लड़ना, यही तो उनका मुद्दा है।